बेटा, सुकून की तलाश में तू यहाँ आया था, अब कहाँ जाएगा? ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ लोग ही ना हो। अंडमान निकोबार चला जाऊंगा। पूरे शहर में एक भी आदमी होगा तो उससे तुम्हारा पंगा होगा। चाहे कितने भी शहर बदल लो, लेकिन उससे कुंडली तो नहीं बदलती ना। बेटा, मैं जानती हूँ तू रानी से बहुत प्यार करता है, क्या तुम उसे भी छोड़कर जाओगे? खुशी से थोड़ी ना जा रहा हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि जाना पड़ेगा। चलो दादी माँ, बोट का समय हो गया। अपना ख्याल रखना। समीर, क्या बात है, रानी नहीं तो पंडित ही सही। क्या हुआ? जा रहा मैं। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता? तुझे क्या, दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। तूने रानी और मेरी मुलाकात देखी है, हमारी शादी कौन देखेगा? तू जानता बे, मुझे और रानी को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? ये गलतियां करता रहा और वो मेरे करीब आती रही। अरे हाँ, उस दिन तूने क्या सॉलिड आइडिया दिया यार, सारी दुनिया के सामने रानी को प्रपोज करने का। और इत्तेफाक की बात है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उसके बाप को भी इनवाइट किया है, रानी भी आने वाली है। मैं सोचता हूँ सारी दुनिया के सामने जाके बोली दूँ, रानी आई लव यू, रानी मुझसे शादी करोगी। आज तेरी तकदीर बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने रानी के ख्वाब देखना छोड़ दिए। खुश रहे। मारपीट, गुस्सा, प्यार, लड़की को प्रपोज करना, ये सब मर्दों का काम है। तू बैठ के सिर्फ गिटार ही बजा समीर। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव इज वॉर। आ गया भाई।
थे। There's been an intrusion on the field. Goodness gracious me. Charging towards the great man. He's broken the security cordon. What the hell is happening? स्टेडियम में कौन आ गया? सॉरी पाजी। यार पाजी का माइक ले लिया यार। मेरे पाजी का माइक इसकी माइक है। बंदे बंदे पंजू। रानी। रानी, रानी, कहाँ तुम रानी? लो, रानी को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। रानी, रानी, अरे रानी कौन है? सर ये रानी रानी क्यों चिल्ला रहा है? Who is this रानी? ओ दिलदार मामला यार, शाबाश शिराज चेक दे बट्टे नप देख ली। रेश का मामला ठीक है यार। रानी, रानी, सुनो रानी, कहाँ छुप गई भाभी? बॉस कितने परेशान हैं। मिलेगी, डोंट वरी, मिलेगी। भाभी, रानी कहाँ हो तुम? समीर, समीर अब यहाँ, समीर, समीर, समीर। हेलो हेलो, हमारे माइक के साथ पंगा, अमित से फाइट। रानी, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहने आया था, शादी मत करना सनी के साथ, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। रुको रुको रुको, ये कुछ कहना चाह रहा है, लगता है इसका प्यार का मामला है। ये लो। Love is a condition of the mind at a time when the mind is out of condition, my dear friend. बाजी, but we have a match to start after the lovers depart. रानी, जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो वैसा बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई है कि मैंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, नहीं तो सनी को मारते मारते गोवा के बाहर पहुंचा किया था। लेकिन आज सनी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने मुझे जाने से रोक दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं रानी। रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूं सोनिया, पर आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा और उस दिन से जिस दिन से कर्नल साहब मुझसे नफरत करने लगे। कर्नल साहब, बहुत गलतियां हुई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। रानी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इट्स कूल, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल मुझसे यह कहता है कि तुम करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैं यहां पे सबके सामने बहुत परेशान है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए कि तुम मुझसे शादी करो, हमारा परिवार हो, बच्चे हो, जिनके बाल, नाक, आंख, होंठ, गाल सब तुम पर जाएं। मेरा सिर्फ सरनेम हो, वो भी इसलिए कि मेरे बाबूजी का सरनेम था मल्होत्रा। बहरहाल, इन शॉर्ट, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। वो बोल रहा यार मुझसे शादी करोगी, बोल दे। और नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। रानी, मुझसे शादी करोगी? अरे जरा जोर से बोल, मुझसे शादी करोगी? सुनाई नहीं दे रहा है। Louder my friend, let the whole world hear the sound of love. Not only strike while the iron is hot, but make it hot by striking. Rani, मुझसे शादी करोगी? 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 हाँ कर दो भाभी। हाँ कर दो। रानी बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही लड़का है। कम से कम तुम्हारे साथ शादी होने के बाद ये मुझे मारेगा तो नहीं? ओ कुड़िये, कह दे हाँ। ओ मुंडे च बड़ा जोश है, तनु प्यार करदा हैगा, पब्लिक दे विच भी कहंदा हैगा, कह दे हाँ।
जा भी प्लीज, हाँ कर दो प्लीज, प्लीज, प्लीज। जा बेटा जा, जा ना जा। स्टुपिड, आंखें और स्माइल तुम पर जाएंगी और मल्होत्रा सर ने हमें बहुत पसंद है। भाई साहब जरा माइक देना। मेरी मां कहा करती थी, गुस्सा प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ काबू नहीं कर सकता। देख समीर, मेरी माँ कहती है गुस्सा प्यार का दुश्मन है, जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उससे काबू में कुछ नहीं होता। अबे तेरी माँ नहीं, मेरे दोस्त अरुण की माँ कहा करती थी ये। अपने दोस्त की बात याद है, लेकिन अपने दोस्त को भूल गया तू? तू मेरा दोस्त अरुण नहीं हो सकता, तू कमीना है। मेरा दोस्त अरुण बहुत अच्छा था। तू जानता है 19 साल बाद जब मैं अमेरिका से लौटा तो सबसे पहले किसके घर गया? तेरे घर। ए समीर! समीर तो है नहीं, आप कौन है? दादी मैं, अरे समीर का बचपन का दोस्त अरुण। अरुण! अरे बाप रे! दादी मेरा दोस्त कहाँ है? वो तो गोवा गया है। अभी वैसा गुस्से वाला या बड़ा होके शांत हुआ है कुछ? बेटा उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। फिर दादी ने मुझे तेरी सारी प्रॉब्लम बताई, कैसे तेरा दिल टूटा, कैसे तू डिप्रेस हुआ, कैसे गोवा गया और वहां रानी से मिला और उसे चाहने लगा और उसके खातिर अपने गुस्से को हमेशा के लिए दबा दिया। तो फिर ठीक है, मैं समीर को फोन करके आती हूं। नहीं दादी, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि उसका इलाज मैं दोस्त बन के नहीं दुश्मन बन के करूंगा। अरुण, इसीलिए मैं गोवा आया, तेरे साथ तेरे ही घर में और तेरे ही रूम में रहा। अरे अब मैं समझा तू यूं क्यों करता था मेरे भाई। आजा। बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार। बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, अरे बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार। क्या हुआ? अरे फिर से क्या गलत किया यार? अभी तेरी किस्मत खराब है बेटा, फूटी है फूटी, लेकिन अब कुछ नहीं उखाड़ सकता।